नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 दिसंबर 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम हैदराबाद में रेप की घटना के आरोपियों का पुलिस ने जो एनकाउंटर किया उससे संबंधित इशू को हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर मिड डे मील स्कीम से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ में जो फर्जी एनकाउंटर हुआ उससे संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हैदराबाद में रेप के आरोपियों के एनकाउंटर से संबंधित इशू को डिस्कस करेंगे। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हैदराबाद में जो रेप की घटना सामने आई उस घटना ने हमारे देश की जनता की कलेक्टिव कंसाइंस को झकझोर कर रख दिया। लोगों में गुस्सा था, लोग चाहते थे सरकार वुमेन सेफ्टी पर ध्यान दे, लोग ये भी चाहते थे हैदराबाद की रेप की घटना के जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, उनको फांसी दी जाए। देखो, लोगों को इस बात का भी पता था कि जिस प्रकार से निर्भया केस हुआ था 2012 में, उस केस के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। तो इसी बीच क्या हुआ, हैदराबाद रेप के जो आरोपी थे उनको साइट सीन पर ले जाया गया पुलिस के द्वारा सीन रिक्रिएशन के लिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि चारों में से 2 आरोपियों ने पुलिस के वेपन छीन लिए, पत्थरबाजी की पुलिस पर्सनल के ऊपर और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायर किया तो चारों जो आरोपी थे रेप के उनकी डेथ हो गई, मतलब एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई, ये पुलिस का कहना है। उसके बाद देखो, हमारे देश में सोशल मीडिया में एक प्रकार से जश्न सा मनने लगा। बहुत से लोगों ने कहा ऐसा ही होना चाहिए था उनके साथ और इंस्टेंट जस्टिस का जो ये कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अदालतों में केस लंबा चलता रहता है और तब तक रेप के जो आरोपी हैं वो सरकारी मेहमान बन के रहते हैं और जो डर कायम होना चाहिए क्रिमिनल्स में वो डर कायम नहीं हो पाता, इसी वजह से बार बार रेप की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। लेकिन देखो, इस इशू के बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। जो कुछ हुआ क्या वो गलत था या फिर सही था? देखो, हैदराबाद पुलिस का जो वर्जन है उस पर अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, ये तो जांच होगी तभी पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हम इन जनरल डिस्कस कर सकते हैं कि पुलिस के द्वारा इस प्रकार से आरोपियों को अगर मारा जाता है तो वो कितना उचित है कितना गलत है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा 2017 में रयान इंटरनेशनल स्कूल में एक दूसरी क्लास के बच्चे की हत्या कर दी गई थी चाकू मारकर, और पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था गुड़गांव की पुलिस पर कि वो जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े। तो पुलिस ने स्कूल के एक कंडक्टर को सामने कर दिया और कंडक्टर ने मीडिया के सामने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जब मामला बाद में सीबीआई को सौंपा गया तब ये बात सामने आई, कंडक्टर जिसका नाम अशोक था वो पूरी तरह से निर्दोष था और पुलिस ने प्रेशर में आके उस कंडक्टर को मारा पीटा और मजबूर किया उस कंडक्टर को अपराध स्वीकार करने के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। बाद में सीबीआई जांच में पता लगा कि किसी बड़ी क्लास के बच्चे ने उस दूसरे क्लास के बच्चे की हत्या की थी। तो क्या एसेंस निकलता है इस एग्जाम्पल से? एग्जाम्पल से देखो, एसेंस ये निकलता है, ये कौन डिसाइड करेगा जिनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है वो वास्तव में अपराधी है या फिर नहीं है? ये तो देखो जुडिशरी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा ना। पुलिस ने तो पकड़ा है, उनका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो बोलेंगे ही कि यही अपराधी है। ये अल्टीमेटली जुडिशरी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि वास्तव में जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। लेकिन इस प्रकार से पुलिस के द्वारा अपराधियों को अगर मारा जाता है तो फिर तो पूरी तरह से न्याय नहीं होगा। जो एजेंसी अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है वही मार रही है, अभी तो उनका क्राइम साबित भी नहीं हुआ था। कल को अगर पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है तो वो प्रेशर को अवॉइड करने के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे और बोलेंगे कि देखो यही अपराधी हैं और इनको मार भी दिया गया है हमारे द्वारा। तो कहने का मतलब यही है, ये तो जुडिशरी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि एक्यूज्ड ने वास्तव में अपराध किया है या फिर नहीं किया है। वो बात देखो अलग है, ये हमारे सिस्टम की फेलियर है। सालों साल जुडिशरी में केस चलता रहता है, करोड़ों मुकदमे जुडिशरी के सामने पेंडिंग रहते हैं, चार्जशीट फाइल करने में डिले होता है, केस जाता है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिर से क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है, उसके बाद
प्रेसिडेंट के पास दया याचिका डाली जाती है, इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों को लगता है कि जो कुछ पुलिस ने किया वो ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो फेल हो चुका है अपराधियों को सजा दिलाने में। एक अलग एस्पेक्ट देखो ये है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि आखिरकार ये रेप की घटनाएं होती क्यों हैं, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। आपने काफ़ी सारी डायमेंशंस दी अपने कॉमेंट बॉक्स में कि जो स्कूल्स हैं वो कोएड होने चाहिए, पोर्न की समस्या के बारे में आपने बताया, आपने काफ़ी सारे रीजंस दिए थे। तो देखो ये जो डर पैदा करने वाली बात है ना, ये सिर्फ एक डायमेंशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है रेप की समस्याओं को अवॉइड करने का। बाकी और जो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं ना, उन पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। अगर सरकार वास्तव में सीरियस है इस प्रकार के क्राइम्स को अवॉइड करने के लिए, देखो बात ये है जब भी ऐसी कोई घटना होती है लोग विरोध करते हैं, सरकार भी उस घटना को लेके कुछ अर्जेंट स्टेप्स लेती हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक बार एक क्राइम में अर्जेंट स्टेप्स लेने से समाज में डिटरेंस क्रिएट हो जाएगा? बाकी इस प्रकार के जो अपराध होते हैं जो मीडिया में नहीं आते, उनको लेके सरकार का क्या रवैया होता है? जैसे देखो अभी निर्भया केस के जो आरोपी हैं उनकी बात चल रही है कि जल्द ही अगले हफ्ते उनको फांसी दे दी जाएगी। देखो उनको तो फांसी काफ़ी पहले दे ही दी जानी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ एक केस में अर्जेंट स्टेप्स लेके जो केस मीडिया में है, सरकार लगता है जैसे अपना पल्ला झाड़ लेती है। अरे भाई आप जनरल स्टेप्स लो ना जो सभी केसेस पर लागू हो, आप सिर्फ एक केस में स्टेप लेते हो और बाकी केस जो मीडिया में नहीं है उन पर आप ध्यान भी नहीं देते हो। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है देखो बेशक लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है हैदराबाद में जिस प्रकार से पुलिस ने रेप के आरोपियों का एनकाउंटर किया, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाके काम करना, इससे तो देखो देश की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली हैं। इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं वो ध्यान डाइवर्ट कर देती हैं दूसरे रीजन से जो रेप के लिए या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हैदराबाद की घटना में शुरुआत में पुलिस का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, लड़की के जब पेरेंट्स पुलिस के पास गए तो उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने इस प्रकार की बातें बोली शायद लड़की किसी के साथ भाग गई होगी या फिर ये हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है केस, ये दूसरे थाना क्षेत्र में आता है। ये बात सही है कि 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है इस गलती के लिए, लेकिन क्या कुछ पॉलिसी बनी कि कल को अगर पुलिस वाले इस प्रकार से बोलेंगे विक्टिम्स के साथ, अगर वो FIR दर्ज करने से मना करेंगे तो पुलिस के खिलाफ केस दर्ज होगा? क्या इस प्रकार की कोई पॉलिसी बनी? क्या उनकी जवाबदेही तय होने का कोई प्रोविजन है? नहीं, सिर्फ आंध्र प्रदेश के DGP ने कहा था कि अगर कल को पुलिस वाले इस प्रकार से 0 FIR दर्ज नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। क्यों ना पुलिस की एक जवाबदेही तय कर दी जाए पार्लियामेंट से या फिर कम से कम विभिन्न स्टेट असेंबलीज के द्वारा इस प्रकार का कोई कानून बना दिया जाए। दूसरा देखो काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स ने लिखा है जहां पर लड़की के साथ क्राइम हुआ वहां पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, पूरी तरह से एरिया सुनसान था और क्राइम होने की संभावना ज़्यादा थी। क्यों नहीं उस क्षेत्र की पुलिस के द्वारा ध्यान दिया गया कि वहां पर प्रॉपर लाइटनिंग हो और क्राइम होने की संभावना ज़्यादा जो थी उस एरिया में उस चीज़ को पहले से आइडेंटिफाई करके एड्रेस की जाती समस्या को, लेकिन ऐसा कुछ पुलिस के द्वारा नहीं किया गया और पुलिस की इस केस में जवाबदेही भी तय नहीं हुई। तो देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार होना जरूरी है, प्रॉपर पॉलिसी बनना जरूरी है कि अगर कोई पब्लिक पर्सनल अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, तब जाके पब्लिक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपना काम ठीक से करेंगे और इस प्रकार के क्राइम्स के कमिट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये सिर्फ देखो हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर सुधार की आवश्यकता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आप एग्जांपल ले लीजिए, जब इस प्रकार के मामले मीडिया में आते हैं तो सरकार उस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर देती है। क्यों ना रेप के हर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हो? और देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हो भी जाए तो भी कितना समय लग जाता है फाइनल सजा के एग्जीक्यूट होने में। आप निर्भया केस का एग्जांपल ले लीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुई थी फिर भी 7 साल
ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं और आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिली है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए जुडिशरी को भी, एग्जीक्यूटिव को भी और लेजिस्लेचर्स को भी। लेकिन देखो बात वही है, जब रेप के बाद पूरी जो फोकस है, पूरा जो कंसंट्रेशन है, वो सिर्फ इस बात पर आकर टिक जाता है कि ज़्यादा कड़ी सजा दी जाए, इससे क्राइम की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, इसलिए सरकार भी ज़्यादा सीरियस नहीं दिखती बाकी रीजन्स पर ध्यान देने में। और देखो इस प्रकार से जब एनकाउंटर होता है, जनता का जो विश्वास है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और ज़्यादा कम हो जाता है, जो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इन जनरल डिस्कस किया, क्या पुलिस के द्वारा इस प्रकार से एक्यूज्ड को सजा दे दी जाती है वो कितना सही है, कितना गलत है। हैदराबाद में जो कुछ हुआ उस घटना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस का जो वर्जन है वो सही है या गलत है, पुलिस ने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती या फिर नहीं बरती, ये तो जांच का विषय है। लेकिन देखो एक बात लास्ट में ये बोली जा सकती है, जनता किसी चीज़ से खुश है ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता पता लगाने में कि जो कुछ हुआ है वो सही है या फिर गलत है। जनता तो देखो काफ़ी बार ISIS की ज्यूडिशियल में रहकर भी खुश हो जाती है, जनता तो अपना विश्वास काफ़ी बार हिटलर जैसे नेता में भी व्यक्त कर देती है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं हो सकता कि हाँ देश की जनता खुश है इसलिए जो कुछ घटित हुआ वो सही है और बाकी चीज़ें गलत हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल मिड डे मील स्कीम से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है कृष्णा कुमार के द्वारा। हाल ही में देखो मिड डे मील स्कीम से संबंधित दो केसेस सामने आए यूपी में। पहले केस में क्या हुआ, मिड डे मील में बच्चों को प्लेन चपाती दी गई थी और बोला गया था कि नमक के साथ आप चपाती को खा लीजिए। दूसरे केस में 1 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाया गया था और जो रिजल्ट निकला वो दे दिया गया बच्चों को पीने के लिए। जबकि देखो प्रोविजन ये है मिड डे मील में हर एक बच्चों को 150 ml दूध दिया जाएगा पीने के लिए। इससे पहले भी देखो मिड डे मील स्कीम की खराब इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित केस सामने आते रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले बिहार में एक केस सामने आया था कि मिड डे मील के सेवन से 23 बच्चों की डेथ हो गई थी। उस केस में क्या हुआ था, उस केस में ये हुआ था कि जिस बर्तन में दूध स्टोर करके रखा गया था ये वो वही बर्तन था जिसमें दूध से पहले पेस्टिसाइड स्टोर था और दूध स्टोर करने से पहले पेस्टिसाइड वाले बर्तन को ठीक से साफ भी नहीं किया गया था। इसके बाद वही दूध जब बच्चों को दिया गया तो 23 बच्चों की डेथ हो गई थी उसकी वजह से। आज कोई नहीं जानता उस केस का क्या हुआ, क्या मिड डे मील के लिए उस स्कूल में रिस्पॉन्सिबल जो टीचर्स या फिर हेडमास्टर थे उनको सजा हुई या फिर नहीं हुई, आज मीडिया का उस तरफ ध्यान नहीं है। देखो क्वेश्चन ये उठता है कि मिड डे मील स्कीम आई क्यों थी और क्या जिस पर्पज़ के साथ मिड डे मील स्कीम आई थी उस पर्पज़ को अचीव किया जा रहा है स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन से या फिर नहीं किया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम आई थी 1995 के आसपास पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बाद। मिड डे मील स्कीम से देखो बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो जब स्कूल के सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो गांव में खास करके कास्टिज्म जो होता है वो दूर होता है, क्योंकि सभी कास्ट के बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, एक ही खाना खाते हैं, तो बच्चों में कोऑपरेशन जैसी भावना उत्पन्न होती है और कास्टिज्म जो सदियों से हमारी सोसाइटी को प्रभावित करता आया है उस कास्टिज्म से ऊपर उठ जाते हैं हमारे बच्चे जो कल का भविष्य हैं। दूसरा देखो ये फायदा होता है मिड डे मील से कि इसके चक्कर में बच्चे स्कूल में आ जाते हैं, वो पढ़ जाते हैं। तीसरा फायदा ये होता है बच्चों में जो मालन्यूट्रिशन की समस्या पैदा होती है तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स बच्चों को दिए जा सकते हैं मिड डे मील स्कीम की सहायता से जिससे उनमें मालन्यूट्रिशन की समस्या ना पैदा हो। चौथा रीजन जो कोई खास नहीं है, थोड़े बहुत रोजगार भी उत्पन्न होता है मिड डे मील स्कीम की सहायता से। अब हम बात करते हैं स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित। देखो काफ़ी जगह स्कीम को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, मेनली 3 समस्याएं सामने आती हैं। कई बार देखो खाना जो होता है बच्चों को दिया जाता है वो खराब होता है जिसकी वजह से बच्चों में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दूसरी समस्या ये होती है कई बार खाना बहुत कम दिया जाता है और जो प्रोविजन है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तीसरी चीज़ ये सामने आती है
कि अलग कास्ट के बच्चों को कई जगहों पर अलग बिठाया जाता है और जो सोचा गया था कास्टिज्म की समस्या दूर होगी मिड डे मील स्कीम की सहायता से, वो पर्पज अचीव नहीं हो पाता जब भी ऐसा कुछ होता है। देखो, इसके अलावा भी और काफी सारी समस्याएं हैं मिड डे मील स्कीम की इंप्लीमेंटेशन से। अब हो क्या गया है, मिड डे मील स्कीम को एक चैरिटी के रूप में ज्यादा देखा जाता है। ऐसा माना जाने लगा है कि यह स्कीम जैसे गरीब बच्चों के लिए है, जबकि देखो इस स्कीम को आप चैरिटी के तौर पे मत मानो। ये तो देखो सिविक हमारी ड्यूटी है, सरकार की ये ड्यूटी है कि बच्चों को खाना देना। ऐसा नहीं कि ये जो स्कीम है वो गरीब बच्चों के लिए है, क्योंकि इस स्कीम के और बहुत सारे पर्पजेज हैं। तो आवश्यकता ये है सरकार इस बारे में जागरूक हो और टीचर्स को भी जागरूक किया जाए कि बच्चों को ऐसा एहसास ना दिलाया जाए कि ये जो स्कीम है वो सरकार चैरिटी के तौर पर चला रही है। स्कीम पर पूरी तरह से हक है बच्चों का। ये स्कीम देखो प्राइवेट स्कूल्स में भी चलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो काफी सारे जो पर्पज हमने अभी डिस्कस किए वो पर्पज सर्व हो सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अमीर बच्चे मालन्यूट्रिशन का शिकार नहीं होते हैं। काफी बार अमीर घरों के जो बच्चे होते हैं वो भी मालन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, क्योंकि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती पेरेंट्स में। जैसा हमने मालन्यूट्रिशन के आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, चिप्स इत्यादि चीजों का सेवन ज्यादा किया जाता है तो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की उनमें कमी हो जाती है। तो अगर ये स्कीम प्राइवेट स्कूल्स में भी चलाई जाती है तो कम से कम ये परसेप्शन खत्म हो जाएगी कि मिड डे मील स्कीम जो है वो सिर्फ गरीब घरों के बच्चों के लिए है और सरकार एक प्रकार से चैरिटी कर रही है इस स्कीम को चला के। नेक्स्ट चीज देखो, क्यों ना इस मिड डे मील स्कीम को करिकुलम का एक पार्ट बना लिया जाए। मतलब सरकार पहले से सारा कुछ डिसाइड कर ले कि जो कुक होगा उसको इतना रिनम्बरेशन दिया जाएगा। अभी सरकार एक फ्रेमवर्क तैयार करके रखा है जिसका मिसयूज किया जाता है लोकल लेवल पे उन लोगों के द्वारा जो मिड डे मील स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं। जबकि अगर इसको स्कूल करिकुलम का पार्ट बना लिया जाएगा तो बच्चे खुद अपनी डायरी में लिखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते किन किन चीजों का सेवन किया, अथॉरिटीज उस चीज को चेक कर सकती हैं और एक ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा सकता है स्कूल में कि कल बच्चों ने क्या चीज खाई और आने वाले हफ्तों में क्या चीज वो खाएंगे। तो इससे होगा क्या, एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी उन लोगों की जो मिड डे मील स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसे स्कूल करिकुलम का पार्ट बना देना चाहिए। देखो हमारे देश में साउथ इंडिया के जो स्कूल्स हैं वहां पर इस स्कीम को रिलेटिवली बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड प्राप्त होता है उसमें साउथ इंडिया की सरकारें कुछ अपना फंड ऐड कर देती हैं और रिलेटिवली मिड डे मील स्कीम बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट होती है साउथ इंडिया में। जबकि नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड प्राप्त होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑलरेडी देखो फंड कम होता है और बाद में लोकल लेवल पर जब स्कीम इंप्लीमेंट होती है तो उसमें भी करप्शन हो जाता है, इसलिए जो स्कीम का लाभ बच्चों को होना चाहिए वो स्कीम का लाभ नहीं हो पाता। लास्ट में देखो एक बात यह भी बोली जाती है, आज के समय में बच्चों में मॉरल वैल्यूज को इनकल्केट करने के लिए काफी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन जो ये बेसिक तरीके हैं ना बच्चों में वैल्यूज इनकल्केट करने के, जैसे मिड डे मील में खाना खाने के बाद बच्चे अपना बर्तन खुद धोएं, ये जो गांधियन वैल्यूज है ना इनका कोई तोड़ नहीं है। इस प्रकार से बच्चे जो सीखेंगे और जो बाद में जाके जिंदगी में उनके काम आएगा उसकी भरपाई आज के समय में सॉफ्टवेयर्स के द्वारा या फिर एप्लीकेशंस के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मिड डे मील स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो अगले साल से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होगा और उससे पहले इस साल स्पेन के शहर मैड्रिड में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 25वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है ताकि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन को अंतिम रूप दिया जा सके। मैड्रिड में होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 25वीं मीटिंग से पहले IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश की जिसमें कहा गया अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो लैंड, ओशन, क्रायोस्फीयर इन सब पर क्या असर होगा। मकसद इन रिपोर्ट्स को रिलीज करने का ये था विभिन्न कंट्रीज ज़्यादा अर्जेंसी महसूस करें एमिशंस को कम करने के लिए। देखो रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि जैसे जैसे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा बर्फ़ पिघलेगी, खास करके ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिक इन रीजन्स में, और बर्फ़ पिघलने से सी लेवल जो है समुद्र में पानी का लेवल वो बढ़ेगा,
और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो विंड्स हैं वो भी तेज होंगी, एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिलेगी, कहीं पर बारिश का अभाव, कहीं पर बहुत तेज बारिश। तो इन सब का इफेक्ट देखो ये होगा कि बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत से लोग डिस्प्लेस होंगे, खास करके वो लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार फिलहाल देखो 680 मिलियन जो लोग हैं वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, और 2050 आते आते इनकी संख्या हो जाएगी 1 बिलियन। तो इन लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के बढ़ने का। और देखो इंडिया जैसे देश जहाँ पर एक बड़ी कोस्टल लाइन है, इन देशों को और भी ज़्यादा चिंता होनी चाहिए कि कैसे न कैसे करके अर्थ के जो एवरेज टेम्परेचर को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने से रोका जाए। देखो अब जो मीटिंग ये ऑर्गेनाइज होगी स्पेन के शहर मैड्रिड में, इस बात पर भी फोकस होना चाहिए कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो एक प्रिंसिपल था, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। इस प्रिंसिपल को कैसे फॉलो किया जा सकता है? इस प्रिंसिपल को देखो ऐसे फॉलो किया जा सकता है, अगर डेवलप कंट्रीज जिनके पास पैसा है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज टेक्नोलॉजी को हासिल करके, पैसों को हासिल करके उसे इन्वेस्ट कर सके ग्रीन एनर्जी में और एमिशंस कम से कम हो। इसके अलावा देखो अभी जो स्पेन के शहर मैड्रिड में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो ये 25वीं मीटिंग होगी, इसमें इस बात पर भी फोकस होगा कि एमिशंस को कमोडिफाई किया जाए। एमिशंस को कमोडिफाई करने का क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि सभी देशों के पास एक लिमिट हो कि आप इतना कार्बन एमिशन कर सकते हो, और उसके बाद अगर कोई देश कार्बन एमिशन करना चाहता है तो उसे कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूएसए के पास या फिर यूरोप के किसी कंट्री के पास लिमिट है कि आप 10 टन कार्बन को एमिट कर सकते हो, और 10 टन से ज्यादा अगर आपको कार्बन एमिट करना है तो आपको कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे दूसरे देशों से। दूसरा देश देखो कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया है। इंडिया के पास लिमिट थी कि 10 टन इंडिया कार्बन एमिट कर सकता था, 10 के बजाय इंडिया ने सिर्फ 3 टन कार्बन एमिट किया, तो अभी 7 टन कार्बन के जो क्रेडिट्स हैं वो इंडिया के पास हैं, जबकि यूरोप के किसी देश ने 13 टन कार्बन एमिट कर दिया है अपने कोटे से 3 टन ज्यादा, तो वो इंडिया से 3 टन कार्बन एमिशन के क्रेडिट्स परचेज कर सकता है क्योंकि इंडिया ने 3 टन कम कार्बन एमिट किया है। तो इस प्रकार से अगर देखो एक प्रॉपर कार्बन मार्केट बन जाती है तो डेवलप कंट्रीज इनडायरेक्टली मदद कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रीन एनर्जी को अडोप्ट करने में और कार्बन एमिशंस को कम करने में, और देखो ये एक आसान तरीका भी होगा। लेकिन चिंता की बात ये है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो कुछ डिसाइड हुआ है और उसको सभी देश फॉलो भी करेंगे, तब भी देखो कोई जरूरी नहीं कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 2100 आते आते 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े या फिर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। मतलब बात का ये है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो वादे विभिन्न देशों के द्वारा किए गए हैं कि हम इतना एमिशंस कम करेंगे, और ज्यादा एम्बिशियस टारगेट्स अपनाने होंगे विभिन्न देशों को ताकि ये इंश्योर किया जा सके अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े, और अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो एक्सट्रीम वेदर फेनोमेनन देखने को मिल सकते हैं वो देखने को ना मिले। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल छत्तीसगढ़ में हुए फेक एनकाउंटर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है नंदिनी सुंदर के द्वारा। देखो हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में दो जिलों में एनकाउंटर हुआ था 2012 में। शुरुआत में अथॉरिटीज की तरफ से दावा किया गया कि हमने एनकाउंटर में 17 नक्सलियों को मार दिया है, लेकिन अब जस्टिस वी के अग्रवाल की अध्यक्षता में एक जो कमीशन गठित किया गया था, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन लोगों को मारा गया था उस एनकाउंटर में वो नक्सली नहीं थे, वो गांव वाले थे, और उनमें से कुछ माइनर्स भी थे, यानी उनकी उम्र 18 साल नहीं थी। और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में हालांकि एक्शन लेने की बात नहीं की गई है उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो इस एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार थे। कमीशन ने सिर्फ इतना कह दिया कि फ्यूचर में अच्छी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, फोर्सेस के पास अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हालांकि कमीशन को यह भी रिकमेंड करना चाहिए था कि जो भी बड़े ऑफिशियल्स दोषी हैं इस एनकाउंटर के लिए उन पर कार्रवाई हो। देखो ये तो एक घटना है, कमीशन
काफी बार ऐसी घटनाएं होती हैं नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, लेकिन वहां पर मीडिया ध्यान नहीं देती, सरकार ध्यान नहीं देती, और काफी बार इस प्रकार के फर्जी एनकाउंटर्स में जो निर्दोष गांव वाले हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। और अगर कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आवाज उठाता है इन एनकाउंटर्स के अगेंस्ट, तो उसको भी नक्सल विचारधारा का पक्षधर कह दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमे चलते हैं। तो कहने का मतलब देखो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इस प्रकार से एनकाउंटर किया जाता है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसे भी फॉलो नहीं किया जाता। जब सीआरपीएफ के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कितने ऑफिशियल्स गए इस ऑपरेशन को चलाने के लिए, कौन कौन से ऑफिशियल्स गए, कौन कौन से हथियार लेकर गए, क्या इंटेलिजेंस थी, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी या फिर नहीं थी, लेकिन इस प्रकार की चीजों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ताकि बाद में जांच होने पर पता ना लग सके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मामले में गांव वालों ने लंबा संघर्ष किया इंसाफ पाने के लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखे, ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जा सके। और आखिरकार जांच हुई तो पता लगा ये जो एनकाउंटर था वो फर्जी था, 17 गांव वाले मारे गए इस एनकाउंटर में, ना कि नक्सली। बस लास्ट में देखो कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, जब ये एनकाउंटर हुआ था तो बीजेपी सत्ता में थी छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस ने काफी सवाल उठाए थे, लेकिन आज कांग्रेस सत्ता में है और जो दोषी ऑफिशियल्स हैं इस एनकाउंटर के उनकी प्रमोशन हो गई है और दोषियों पर कार्रवाई कुछ नहीं की गई है कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो ये सारे पॉइंट्स आंसर में लिखने लायक नहीं है। कुल मिला के देखो इस एनकाउंटर को आप लिंक कर सकते हो, शुरुआत में हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था कि पुलिस के द्वारा अगर अपराधियों को, अपराधी तो नहीं कहेंगे, एक्यूज्ड को अगर मारा जाता है तो वो कितना सही है कितना गलत है, तो लिंक कर सकते हो कि काफी बार पुलिस के द्वारा मारा जाता है वो किलिंग हमेशा सही नहीं होती है, वो वास्तव में अपराधी नहीं होते हैं, और बहुत बार पुलिस जानबूझकर और बहुत बार गलती से भी किसी को अपराधी समझकर मार सकती है। इसलिए रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट किसी भी एजेंसी को, किसी भी पर्सन को काम नहीं करना चाहिए, और इसी बुनियाद पर देश चलता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फर्जी एनकाउंटर से संबंधित, और हमारी आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।